बड़ी कार्रवाई डीसी जम्मू सचिन जी द्वारा की गई है और बैंकेट हॉल जो बनाए जाते हैं आज की डेट में कहीं ना कहीं जो है उनकी जो परमिशंस लेनी होती हैं, चाहे वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हो चाहे फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके मद्देनजर जो है ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। क्योंकि एक रिजॉर्ट जो बनाया गया था, बताया जा रहा है कि एक खोड़ के इलाके में बनाया गया था, जिसे कल के दिन डिमोलिश कर दिया गया है। आखिरकार क्यों ऐसी कार्रवाई की गई है, डीसी जम्मू द्वारा ये बड़ी कार्रवाई जो है वो क्यों की गई है, पूरी जानकारी आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की बात करें तो उन्होंने जो है एक इलीगली कंस्ट्रक्टेड बैंकेट हॉल जो है जो विलेज मरचंगी तहसील खोड़ में पड़ता है वहां पर जो है डिमोलिश कर दिया है। स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने की वजह बताई गई है कि ये जो प्रॉपर्टर था यानी कि जो ऑनर था जिसने इसे बनाया था उसने रॉन्गफुली पोजेशन जो था वो किया हुआ था जमीन के ऊपर जो स्टेन लैंड थी। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो एक्चुअली डेजिग्नेटेड जो गैर मुमकिन चोरी रहती है उसके ऊपर इस जो रिजॉर्ट था जो बैंकेट हॉल था इसे बनाया गया था और ये पीस ऑफ लैंड था उसे ऑक्यूपाई कर इस पर स्ट्रक्चर बनाकर जो था इसे अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल जो था वो किया जा रहा था। बैंकेट हॉल की बात करें तो जो इसमें बताया जा रहा है कि जो प्रॉपर बिल्डिंग की परमिशन जो थी उसमें वो नहीं थी, इसमें चेंज ऑफ लैंड जो यूज ऑथोराइजेशन रहता है वो इसके पास नहीं था और वो तमाम वायलेशन जो थी रेगुलेशन के अंतर्गत आनी चाहिए वो उन्होंने फॉलो नहीं की और तमाम वायलेशन को उन्होंने किया, जिसके बाद डीसी जम्मू द्वारा जो बड़ी कार्रवाई करती की गई है और जिसमें इस बैंकेट हॉल की बात करें तो उसे डिमोलिश कर दिया गया, स्ट्रक्चर को जो है ढांचे को ध्वस्त कर दिया गया है। ये भी कहा गया है कि किसी प्रकार की अगर कोई भी शख्स जो है इस तरीके का काम करता हुआ पाया गया जो रॉन्गफुली इंटेंशन से किया गया होगा, स्टेट लैंड हो जेडी लैंड हो या फिर गैर मुमकिन खड हो गैर मुमकिन चोरी हो, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी लैंड है जिसके ऊपर इस तरीके की कंस्ट्रक्शन की जाएंगी जो इलीगली होंगी और जो इलीगल तरीके से बनाई गई होंगी रॉन्ग इंटेंशन से बनाई गई होंगी उन पर जो है आगे भी फ्यूचर में इस तरीके से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। ऐसे ही कार्रवाई करते हुए डीसी उधमपुर जो है उन्होंने भी दो बैंकेट हॉल जो है उन पर भी कार्रवाई की है। फिलहाल उन पर उन्हें जो है सील किया गया है, उनके पास बताया जा रहा है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का परमिशन नहीं था, सर्टिफिकेट नहीं था, जिसके बाद उन्होंने इन स्ट्रक्चर्स को बनाया था। अभी फिलहाल इन पर रोक लगाई गई, किसी प्रकार की कामकाज जो है इसमें नहीं हो रहा है और जब वो परमिशन उनको मिल जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा तब वो इस पर जो है अपनी कार्रवाई और अपना काम जो है वो कर पाएंगे। लेकिन आप सोचिए ये पहली कार्रवाई की गई है और डीसी जम्मू सचिन जी द्वारा जिसमें स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया गया है, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जिन्होंने गैर मुमकिन खड हो स्टेट लैंड हो जिसे ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, लेकिन ये तो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने बड़े बड़े बैंकेट हॉल या फिर रिजॉर्ट जो है इस तरीके की चीजें बनाई गई है। मैं चाहता हूं कि तमाम उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जिन्होंने स्टेट लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ और इलीगल कंस्ट्रक्शन वहां पे की गई है, उन पर भी इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए। खाली एक इक्का दुक्का शख्स जो है उसे आप इस तरीके से डिमोलिश करेंगे उसके स्ट्रक्चर को तो आप सोचेंगे कि ऐसी सोसाइटी में हम डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल ये खबर जो थी ये खोड़ तहसील के मरचंगी विलेज से आ रही थी, यहाँ पर एक इलीगली कंस्ट्रक्टेड बैंकेट हॉल जो है उसे डिमोलिश करने का आदेश दिए गए थे जिसे डिमोलिश कर दिया गया है। जो प्रॉपर्टी था उसे रॉन्गफुली ग्रांटेड प्रपोजिशन किया हुआ था स्टेट लैंड के ऊपर और जो गैर मुमकिन चोरी थी उसके ऊपर जो एक्चुअली जो थी ये बैंकेट हॉल को बनाया गया था, जो पीस ऑफ लैंड जो खरीदा था उसने वो गैर मुमकिन चोरी थी और किसने बेचा कैसे बनाया परमिशन किसने दी तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना सिर्फ एक शख्स के ऊपर। बैंकेट हॉल की बात करें जो बिल्डिंग थी जो परमिशन थी उसके ऊपर वो प्रॉपरली नहीं थी, विदाउट परमिशन बनाया गया था, जो लैंड थी उसका जो ऑथराइजेशन थी उसे चेंज किया गया था, मॉडिफिकेशन की गई थी, उसमें तमाम वायलेशन जो थी उनके पास थी, उसके बाद जो है ये चीजें जो है वो की गई है। तस्वीरें आपके समक्ष रखी है, वीडियो आपके समक्ष रखा है, जो अपडेट थी वो आपके समक्ष रखी है। डीसी जम्मू द्वारा बड़ी कार्रवाई और बड़ा एक्शन लिया गया जिसमें एक बैंकेट हॉल जो खोड़ तहसील के अंदर मरचंगी विलेज में पड़ता है उसे डिमोलिश किया गया है। तो इस एक्शन से आप कितना संतुष्ट हैं, आपको क्या लगता है जो कार्रवाई की गई है कितनी सही है या कितनी गलत है, अपनी राय रखिएगा, वीडियो के साथ शेयर करिएगा। तो के साथ शुरू लगे न्यूज 19 के लिए जय हिंद।